हेलो फ्रेंड, सेल फोन टेक्निकल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम सैमसंग के किसी भी कीपैड मोबाइल का लॉक कैसे अनलॉक करें। अक्सर होता है कि हम अपने सैमसंग के कीपैड मोबाइल में हम लॉक लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पासवर्ड भूल जाते हैं। और जब हम मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले पासवर्ड मांगता है, उसके बाद रीसेट मोबाइल हो पाता है, लेकिन हम पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक कोड का इस्तेमाल करके हम मोबाइल के पासवर्ड को अनलॉक करें, कैसे मोबाइल को अनलॉक करें। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सैमसंग मोबाइल के कीपैड के मोबाइल के पासवर्ड को अनलॉक कैसे करें। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास सैमसंग का कीपैड मोबाइल है, आप देख रहे हैं। मैं इसके आपको दिखाता हूँ, सेटिंग में चलता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आप ये देखिए, मैं सबसे नीचे पहुँच जाता हूँ, रीसेट। मैं इसको रीसेट करने की रीसेट करता हूँ, ये देखिए। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देने के बाद ही ये रीसेट होगा। अब मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, ये देखिए मैं कोई पासवर्ड डालता हूँ ये तो रॉन्ग पासवर्ड बताता है, कोई भी पासवर्ड डालूँगा तो गलत पासवर्ड बताएगा। अब कैसे हम इसको रीसेट करें, बात ये भी आती है। तो मैं आपको एक कोड बताने जा रहा हूँ, इस कोड के ज़रिए आप किसी भी व्हाट्सएप को, मतलब किसी भी पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये देखिए, *27#38#55#, ये देख रहे हैं आप, हैश दबाने के बाद ये इस तरीके से ओपन होता है। E2P फुल रिसेट डू नॉट पावर ऑफ ड्यूरिंग EEP फुल रिसेट, मतलब एक मिनट का टाइम मांग रहा है, इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, ओके आने होने के बाद ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल को पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये ओपन होने वाला है, ये देखिए। अब ये न्यू मोबाइल की तरह हो चुका है, ये देखिए। अब हम सेटिंग में चलते हैं दोबारा। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं, आप इसको आराम से रिसेट कर सकते हैं। ये देखिए, आप पासवर्ड कोई भी न्यू पासवर्ड आप डाल सकते हैं, ये देखिए एंटर न्यू पासवर्ड, ये देखिए आप, और अपना कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। इसमें डाल देता हूँ 08250825, ओके कर देते हैं। ये देखिए, अब ये अपना अनलॉक हो चुका है और मैंने अपना न्यू पासवर्ड डाल दिया है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।